News 18, India. गूंज में आज के सबसे बड़े सवाल आपके सामने रख रही हूँ। ये सवाल आपके सामने कि नरेंद्र मोदी को इंडी गठबंधन क्या हरा पाएगा। सवाल ये कि क्या 2024 में बीजेपी 370 सीटें जीत पाएगी। सवाल ये कि क्या आधे अधूरे गठबंधन से कांग्रेस वो जीत हासिल कर पाएगी जिसका वो सपना देख रही है 2014 से। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में शामिल हो रहे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के बड़े चेहरे। बीजेपी से अजय आलोक हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ है, AIMIM से वारिस पठान हमारे साथ है और हमारे साथ प्रदीप सिंह साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। रोहित अग्रवाल भी आरएलडी से अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन आज मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल आपसे भी। सवाल इसलिए आपसे क्योंकि आप तो वोटर हैं, आपकी राय बहुत जरूरी है। न्यूज 18 इंडिया ने ट्विटर पर एक पोल शुरू किया है और सवाल यह है कि क्या एनडीए को इंडिया हरा सकता है। हां नहीं कह नहीं सकते आप। ट्विटर पर जाकर, एक्स पर जाकर, न्यूज 18 इंडिया के पेज पर जाइए और इस पोल में हिस्सा लीजिए, अपनी राय दीजिए। अंत में मैं इसका रिजल्ट आपके साथ साझा करने वाली हूं। और दर्शकों को मैं जल्दी से बता देना चाहती हूं, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम अलग अलग राउंड में गूंज की डिबेट करेंगे। पहला राउंड होगा पक्ष विपक्ष राउंड, पक्ष विपक्ष की गूंज। सबको एक एक मिनट का मौका मिलेगा और उसके बाद एंट्री होगी गूंज के एक्सपर्ट की। एक्सपर्ट की गूंज आप सुनेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि पक्ष सही कि विपक्ष सही। फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड पर पहुंचेंगे हम और उस नेक्स्ट राउंड में हम वोटर्स जो कि व्यूअर्स है हमारे और पार्टियों के वोटर हैं उनका सवाल इन तमाम स्पोक्स पर्सन से पूछेंगे और फिर एक फ्री हिट होगा, यानी हर पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता को मौका मिलेगा कि वो अपना सबसे तगड़ा जो शॉट है, पॉलिटिकल शॉट, वो खेल सकता है अपने ओपोनेंट के लिए, उसे मौका मिलेगा। और फिर आपके सामने पोल रखा जाएगा जिसमें आपने भागीदारी निभाई है। तो पक्ष विपक्ष राउंड की शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वारिस पठान साहब, अजय आलोक साहब हमारे साथ, अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। शुरुआत अजय आलोक आपसे कर रही हूं, एक मिनट आपके। ये बताइए 370 लाएंगे कैसे? सबसे पहले तो रूबिका जी आपको बहुत बहुत बधाई घर में आने के लिए और आपके साथ पहली बार शो कर रहा हूं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। शुरुआत करता हूं इससे कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश प्रेता कौन हुआ, नरधर्म प्रणेता कौन हुआ? वो जिसने हर पल काम किया, विघ्नों में रहकर भी नाम किया। तो विघ्न में रह के पिछले 10 साल से काम हम कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, पूरे भारत का विश्व पटल पे नाम मोदी जी कर रहे हैं, हम बीजेपी कर रही है। हर नए नए भूखंड पे जाके जहां पे बीजेपी कहीं नहीं थी पिछले 10 वर्षों से लगातार जीत हम रहे हैं। 303 में से 224 सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ऊपर वोट हम ला रहे हैं। तभी रूबिका ले आकर पूछ रही है कि 370 कहां से लेंगे, बड़ा आश्चर्य। दूसरी बात रूबिका जी, ये जब चुनाव आते हैं ना तो चुनाव थोड़ा बारिश की तरह होते हैं, तुरंत मेढक लगते हैं टर 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 करने के लिए। तो ये सब जितनी ये घमंडियों की सुगुगाहट हो रही है ना कि यहाँ अलायंस हो गया, वहां अलायंस हो गया, दिल्ली में हो गया, टाइम ओवर, यूपी में हो गया, 17 सीट